हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं भीमा कोरेगांव स्थल पहुंच चुका हूं और ये जो रोड है आप देख सकते हैं, पुणे जाने वाली रोड है और यह पैर ने फाटा है और यहीं पर इसी रोड के बाजू से स्मारक की ओर यहां से रास्ता जाता है। तो ये इस रास्ते से हम अंदर की ओर जाएंगे तो भीमा कोरेगांव स्तंभ हमको मिलेगा। तो अभी आप देख सकते हैं रोड के ऊपर में चाल पाल और सभी हमारे बहुजन आए हुए हैं यहाँ पर, और आप व्यवस्था देख सकते हैं यहाँ पे अभी। और अभी सुबह के 8 बज चुके हैं तो हम चलते हैं अभी स्तंभ की ओर। तो दोस्तों, हमको यहाँ से अंदर की ओर जाना है और आप ये देख सकते हैं यहाँ से रास्ता है जाने के लिए। तो यहाँ से चलते हैं हम अंदर। दोस्तों, आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर पेड़ के बाजू से विजय स्तंभ हमको दिखाई दे रहा है, उस ओर जाना है हमको यहाँ से। तो हम यहाँ से जा रहे हैं अभी हम स्तंभ की ओर। आप वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं सुबह सुबह सभी भीम अनुयायी यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर हमारे 500 महाशूरवीर जो 1 जनवरी 1818 को इस भीमा कोरेगांव इस युद्ध में शहीद हो गए थे, उनको मान वंदना देने के लिए यहाँ पर आते हैं। और कल 1 तारीख को यहाँ पर सभी बड़े से बड़े यहाँ पर लोग जो है यहाँ पर विजय स्तंभ आएंगे मान वंदना देने के लिए। तो आज 31 तारीख है, आप 31 तारीख को देख सकते हैं यहाँ पर व्यवस्था करके रखी है। ये देख सकते हैं यहाँ से जो बाँस से यहाँ पर मैं पार्टीशन करके रखा है अंदर जाने के लिए, ये अंदर जाने के लिए रास्ता है और इस ओर से निकलने के लिए रास्ता है, आप ये देख सकते हैं। और ये बैरिकेड्स करके रखे हैं, बनाकर रखे हैं इस तरह से। ताकि भीड़ एक सही रास्ते से निकल सके, इसलिए आप ये देख सकते हैं बैरिकेड्स करके रखे हैं, बनाकर रखे हैं अंदर जाने और आने के लिए। और सामने में आप देख सकते हैं विजय स्तंभ। जय भीम, जय भीम, जय भीम। तो हम उधर जाने ही वाले हैं अभी। तो आप दोस्तों, पुलिस मदद केंद्र यहाँ पर बनाया हुआ है और ये बोर्ड देख सकते हैं आप। और हम चलते हैं अभी अंदर की ओर। दोस्तों, भीमा कोरेगांव का युद्ध किस लिए हुआ था, इसकी जो वीडियो है मैंने आज ही सुबह पोस्ट किया है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि भीमा कोरेगांव युद्ध 500 महाशूरवीरों ने किस तरह से और क्यों लड़ा था और ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से भाग लेकर क्यों लड़ा था, मराठों को समर्थन करके क्यों नहीं लड़ा था, इस बारे में आपका जो सा कुछ भी डाउट्स हो वो क्लियर हो जाएगा उस वीडियो को देखकर। और हम पहुंच चुके हैं भीमा कोरेगांव स्थान, आप देख सकते हैं बीच में बाबा साहेब, ऊपर में आप देख सकते हैं 206वां शौर्य दिन, और नीचे में आप देख सकते हैं फूलों से मालाएं लगी हुई है। वाओ, ब्यूटीफुल। और आप देख सकते हैं विजय स्तंभ को काफी ऊंचा है दोस्तों। बहुत सुंदर तरीके से सजाया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भीम अनुयायी। और यहाँ पर वंदना लेते हुए आप देख सकते हैं। और आप विजय स्तंभ को चारों साइड से देख सकते हैं। दोस्तों, पूरा विजय स्तंभ कैमरे में नहीं आ सकता है, उसको उसके लिए दूर से वीडियो लेनी पड़ेगी। मैं नज़दीक से ले रहा हूँ तो आपको नीचे साइड से ही अभी दिखाई देगा।
फिर मैं ऊपर की ओर से दिखाता हूँ आपको, तो आप चारों ओर से आप देख सकते हैं विजय स्तंभ को। यह विजय स्तंभ 500 उन शूरवीर महारो का विजय स्तंभ है दोस्तों। इतनी ऊंचाई पर है यह स्तंभ। और कल एक जनवरी है, कल यहाँ पर मान वंदना दी जाएगी। आज रात को 12 बजे ही यहाँ पर मान वंदना का प्रोग्राम होगा, और कुछ छोटे छोटे लोग जो आते हैं वो यहाँ पर वंदना लिखकर यहाँ पर मान वंदना देते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से मान वंदना दी जाती है। और ये मेरे मामा जी हैं, शायद आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। जय भीम। चलो अब उधर का मैं दिखाता हूँ दोस्तों। उस साइड में शौचालय बनाया है, बाहर से जो आते हैं उन लोगों के लिए तो उस साइड में शौचालय का है, वो दिखा देता हूँ मैं आपको। दोस्तों विजय स्तंभ के ऊपर में आप देख सकते हैं भारत के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पर जो है फर्स्ट इमेज यहाँ पर उतारी गई है विजय स्तंभ के ऊपर। और फिर बाजू में बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनकी भी प्रतिमा है, आप देख सकते हैं इस तरह से। और जो शूरवीर शहीद हो गए थे उनके नेम यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। यही वो है जहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, उन शहीद 500 शूरवीरों के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं दोस्तों। और ये किसी और ने नहीं तो ये उन अंग्रेजों ने ही लिखा है जिनके तरफ से ये लड़े थे। जब वो भारत छोड़कर गए तो इसका जो इसकी देखरेख के लिए एक मराठा व्यक्ति को रखा गया था, तो उसने यहाँ की कुछ जमीन जो है प्लॉट बनाकर बेच डाली थी। उसकी केस जो है अभी भी कोर्ट में चल रही है। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो विजय स्तंभ है इसके पीछे में ही भीमा नदी है, तो मैं वो आपको नदी दिखा देता हूँ। पीछे की ओर नदी है, तो यहाँ से हम ऊपर जाते हैं। ये टेम्प्रेरी सीढ़ियाँ हैं बनी हुई उस साइड जाने के लिए। तो पीछे में जो है दोस्तों देख रहे होंगे ये जो टेंट लगे हुए हैं, टेंट के पीछे में ही भीमा नदी है। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं वो जो नदी है उस साइड में दिख रही है। और यहाँ पर जो बाहर से आते हैं उनके लिए आराम करने के लिए जो जगह बनी हुई है। और इधर में ही प्रोग्राम होगा, स्टेज शो होंगे यहाँ पर। और वो जो ब्रिज देख रहे हैं आप, वही नदी का ब्रिज है पुलिया, और नीचे से भीमा नदी बहती है। और इस ओर नदी है, तो उस नदी के पास में मैं आपको लेकर चलता हूँ दोस्तों। इधर में आप देख सकते हैं ये जो वॉशरूम है वहाँ पर, उधर में जो बनी है टेम्प्रेरी वॉशरूम शौचालय, उसके क्लीनिंग के इधर में टैंकर खड़े हैं। और इधर में जो है वो स्टॉल लगेंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉल के लिए जो है बना कर रखे हुए हैं, और स्टॉल के नंबर दिए हैं। और उन नंबरों में उनके अलग अलग जिन लोगों को अलाट किए हैं वो लोग यहाँ पर अपने स्टॉल लगाएंगे। और हम अभी सीधा जाएंगे तो भीमा नदी हमको दिखाई देगी, तो हम उधर जा रहे हैं अभी। आप देख सकते हैं अभी किताबों के स्टॉल यहाँ पर लगना शुरू हो गए हैं सुबह, और अभी सुबह का समय है। और आप नदी देख सकते हैं, यही वो नदी है जहाँ पर 31 दिसंबर की रात यहाँ पर जो है युद्ध लड़ाया गया था। उन 28,000 ब्राह्मण पेशवों को यहाँ पर खंदेड़ा गया था, और वो जो भगोड़ा पेशवा था वो यहाँ से भाग गया था। आप देख सकते हैं इस नदी को। तो दोस्तों आप जो देख रहे होंगे वहाँ से पानी,
पेड़ों के अंदर से। और इसी नदी के किनारे में जो है विजय स्तंभ बना हुआ है। दोस्तों आप स्तंभ देख सकते हैं, यह स्तंभ, यह रहा स्तंभ, और यही रही इसके पीछे में यह नदी, भीमा नदी। दोस्तों यह हमारा गौरवशाली इतिहास, इतिहासकारों ने दबा कर रखा। अभी भी जो 85% बहुजन समाज है, जिसको OBC कहा जाता है, वो अभी तक इसके बारे में जागरूक नहीं है, ना ही उसको पता है ये क्या है। बोलता है भीमा कोरेगांव क्या है। निवेदन है कोई एक बार यहाँ आए और वो देखे तो उसको पता चलेगा ये है नदी, भीमा नदी। और इसी नदी को क्रॉस करके इस ओर वो जो है पेशवा इस ओर बैठा हुआ था अपनी 28,000 सेना लेकर, और जो 500 महाशूरवीर थे बॉम्बे नेटिव बटालियन से आए हुए, वो उस ओर खड़े थे। और उन्होंने जब वो रात को आए थे, ठंड होने की वजह से उन्होंने लकड़ियाँ जलाना चाहा, लेकिन लकड़ियाँ इसलिए नहीं जलाए क्योंकि वो सिर्फ 500 थे, और 500 होने की वजह से लकड़ियाँ जलाते तो उनको पेशवा को पता चल जाता कि इनकी संख्या कम है करके, इसलिए उन लोगों ने लकड़ियाँ नहीं जलाए। काफ़ी ठंड को भी बर्दाश्त किए, भूखे प्यासे थे, और जब आधी रात हो गई तो उन्होंने युद्ध छेड़ दिया पेशवा के साथ में। तो आप देख सकते हैं इस नदी को, और उस वहाँ से क्रॉस करके यहाँ पर युद्ध हुआ था, ये वही जगह है, आप देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर बस जस्ट सामने में आप देख सकते हैं यह ऑरेंज कलर का, यही वो विजय स्तंभ है जहाँ पर ब्रिटिशों ने यहाँ पर उनको सलामी देने के लिए ये विजय स्तंभ बनाए थे। तो दोस्तों यहाँ पर स्टॉल्स अलग अलग अलॉट हो चुके हैं, अभी वो आने के हैं, सुबह का समय है आप देख सकते हैं, और अभी स्टॉल में कोई आए नहीं है, सबको अलॉट हो चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं यह जो धरती है जहाँ पर महार शूरवीर इस जगह पर लड़े थे और वो शहीद हो गए, उसमें एक थे सिद्धनाथ जिनके नेतृत्व में यह युद्ध हुआ था। तो यह पूजनीय जगह है दोस्तों। लॉजिक की बात है दोस्तों, क्या है कि जो कमजोर होता है या संख्या में कम होते हैं उनके ऊपर में दबाव किया जाता है, या उनको ऐसा दबाया जाता है कि वो उसका कुछ भी इतिहास हो या वो इंसान कितना भी अच्छा हो, अक्लमंद हो, उसको समाज के सामने लाते नहीं है। तो इतना शानदार हमारा इतिहास, इतिहासकार ही ब्राह्मण थे तो ज़रूर वो हमारे खिलाफ ही लिखेंगे। तो यह इतिहास अभी भी 85% हमारे बहुजन समाज को पता नहीं है, इसलिए उन्होंने किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ तक ये वीडियो आपने देख लिया है, अभी हम आगे चलते हैं। दोस्तों यह खेत देख सकते हैं आप गन्ने की, और साइड में विजय स्तंभ है, और यह रही गन्ने की खेत। यह पहले यहाँ पर पूरी खुली जगह थी नदी के किनारे वाली, देख सकते हैं, और यहाँ पर गन्ने की खेत लगी हुई है, और खेत के उस साइड में जो है वो प्लॉट बेचकर, जिसको यहाँ पर 250 एकड़ की ज़मीन दी गई थी, उस बंदे ने उस ज़मीन को बेच डाला जिसको यहाँ की निगरानी के लिए रखा गया था। तो इस खेत के उस साइड में आप घर देखेंगे, हम उधर भी आपको दिखा देंगे एक बार। तो वो जो है प्लॉट बेचे गए हैं, जो कि ये भीमा कोरेगांव स्तंभ जहाँ पर बना हुआ है, ब्रिटिशों ने 250 एकड़ ज़मीन दिए थे, उसमें से प्लॉट बनाकर उसको बेच दिया है, उसकी केस कोर्ट में चल रही है। तो दोस्तों मेरे आजू बाजू में आप देख सकते हैं बहुजन आए हुए हैं, और ये सब बाहर से आए हैं, बाहर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, और यहाँ पर 12 बजे से दोपहर से आज शाम तक, रात 12 बजे तक काफ़ी भीड़ जमा हो जाएगी इकट्ठा, और शौचालय के लिए यहाँ पर जगह है।
तो यहाँ पर शौचालय के लिए लेडीज़ और जेंट्स का अलग अलग बना दिया गया है जो इमरजेंसी होती है, और नहाने के लिए भी यहाँ पर फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है। और ये रहा विजय स्तंभ दोस्तों, आप दूर से देख सकते हैं विजय स्तंभ को, और भी नज़दीक से देख सकते हैं, काफ़ी ऊँचा है दोस्तों। और स्तंभ के साइड से आप ये रोड देख सकते हैं, तो हम अभी रोड के ऊपर में जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, इतना अच्छा तो दोस्तों यह रोड है। अब इस रोड से मैं उस साइड इसलिए जा रहा हूँ, मैं आपको जो वो ब्रिज है वो दिखा देता हूँ। ब्रिज के नीचे से जो है वो भीमा नदी बहती है, तो वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और आप ये बलून देख सकते हैं, और वो बलून ये दिखा रहे हैं कि टॉयलेट शौचालय किस जगह है। उन लोगों के लिए वो जो बलून है, बलून के ऊपर में टॉयलेट शौचालय लिखा हुआ है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ टॉयलेट 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 शौचालय लिखा हुआ है। इस तरह से दो बलून हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पर, और ये जो है टेम्पररी शौचालय है जिसको मैंने बताया था उस साइड से। और स्तंभ जो है वो है, वो स्तंभ रहा विजय स्तंभ, भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ, और ये टेम्पररी शौचालय है। और ये व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था करके रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर दूर दराज से लोग यहाँ पर उन 500 मार सूरवीरों को मान वंदना देने के लिए आते हैं दोस्तों। और ये रही भीमा नदी, बहुत बड़ी नदी है। और यह ब्रिज देख सकते हैं दोस्तों, नदी के ऊपर में काफी दूर तक है, तो भी आधा किलोमीटर दूर है, आप देख सकते हैं ब्रिज, और आधा किलोमीटर ही चौड़ी है, आप देख सकते हैं 500 मीटर तो लगभग होंगी। यह वो भीमा नदी है जहाँ पर उन 500 महार सूरवीरों ने 28,000 ब्राह्मण पेशवा को खंदेड़ा था, लड़ाई लड़ी थी। यह वही नदी है दोस्तों, आप देख सकते हैं भीमा नदी, यह सबूत है जीता जागता, इतना सूरवीर इतिहास जो है छुपाया गया था। और जब उजागर हो गया तो यह रहा शहीद स्मारक जहाँ पर इतिहास लिखा गया है। और ये रहा रोड, और नदी जो है उस पर बहती है, देख सकते हैं। काफी बड़ी नदी है, मैं उस साइड जाऊँ तो काफी बड़ी वीडियो बन जाएगी दोस्तों, तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि नदी कितनी बड़ी। तो आप देख सकते हैं सूरज, सूरज 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 इधर रहा, और वही ब्राह्मण पेशवा जिसने कहा था कि सूरज जो है पूर्व की बजाय पश्चिम से उग जाए तो चलेगा, लेकिन तुम महार 500 महारों को उद्देश्य कर बोला था कि तुम लोगों को मैं अपनी सेना में नहीं ले सकता, उसका यह कथन था ब्राह्मण पेशवा का। आप समझ सकते हैं उस वीडियो में मैंने बताया है, उसने ये कहा था कि यह सूर्य जो है सूरज पूर्व की बजाय पश्चिम दिशा से उग जाएगा तो चलेगा, लेकिन मैं तुम लोगों को अपनी
सेना में अपने बटालियन में मराठा पेशवा बटालियन में मैं नहीं ले सकता, क्योंकि तुम लोगों की जो परछाई है वह हम लोगों को पसंद नहीं है, इस तरह से कहा था। उसके बाद में जो सिद्ध नाग थे, कान नाग, डोड़े नाग, वो लोग आग बबूला हो गए, और उन्होंने इस तरह से उसके कथन सुनकर आग बबूला होने के बाद में फिर उन्होंने प्रत्युत्तर यहाँ पर दिया था दोस्तों, लड़ाई के माध्यम से। तो यह वह जगह है, मैंने आपको दिखा दिया है। तो दोस्तों यह भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ जो है उसके सामने का एरिया है, आप देख सकते हैं। और मैंने जो बताया था खेत, जो बताया था मैंने, जहाँ पर गन्ने की खेत थी उसके बाजू में ही यहाँ पर ये दुकानें लगी हुई हैं। अब इसका इतिहास क्या है उसके बारे में पूरी जानकारी करनी पड़ेगी। और आप वो गन्ने के खेत के बाजू में यही जो दुकानें हैं आप देख सकते हैं, इस तरह से रोड के साइड में ही है। तो दोस्तों आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।